मध्य प्रदेश के सीएम के एक्शन माफिया के तहत नीमच भू माफिया रडार पर आ गई। वहीं आपको बता दें कि आज सोमवार को मूलचंद मार्ग स्थित होटल दिल्ली दरबार पर बुलडोजर चला। ये होटल तस्कर मुमताज हुसैन का है, जिस पर एनडीपीएस एक्ट सहित 14 मुकदमे दर्ज थे। मैं नाम लेना चाहता हूँ, मतलब क्या नहीं है नीमच में, चप्पे चप्पे में भू माफियाओं का। आपको लगता है सरकार भेदभाव कर रही है? भेदभाव तो है ही है, ये उठा के जो है मतलब बगैर इत्तला के जो है मतलब जमीन दोस्त कर देना मकान को। अब हम किसके पास फरियाद लेके जाएंगे? आपका नाम और कामरेड अब्दुल हमीद, जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। 12:15 बजे आज ये जो कार्रवाई हो रही है, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कि कमलनाथ सरकार को अंधे में रखने की कार्रवाई हो रही है। जो गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पे, तस्करी का आरोप लगा के, पर तस्करी के जो मुमताज के नाम से, मुमताज का शंका के आधार पर केस लगा है, पर इसके जो पूरा परिवार इससे पलता है, अयूब, हैदर, याकूब, अखलाक, ये पूरा परिवार इस पर काम करता है। और उनकी पहले बस स्टैंड पे होटल थी, वहाँ से पप्पू जैन नगर पालिका अध्यक्ष ने बस स्टैंड बनाया, तो वहाँ से इनको हटा दिया। तो ये इनका जीवन यापन यहाँ कर रहे थे। जिस दिन नीमच सिटी में दिलीप पप्पू ने कहा कि मूलचंद मार्ग पे जाओ, ये दिलीप पप्पू की वजह से ये हो रहा है। नहीं, इसमें पुलिस तो कह रही है कि इस पर आशुकाई कार्रवाई हो चुकी है, आशुकाई एक दर्जन इसमें आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिस पे आरोप दर्ज है तो वो इस काम में तो उसका पट्टा जरूर है, वो ये काम थोड़ी करता। मालिकाना तो उसी का ही, मालिकाना का उसका परिवार यहाँ करता है। अगर पुलिस बोल रही है तो अगर कोई बिगड़ रहा है तो सुधरने का उसको मौका नहीं देंगे क्या? बिगाड़ेंगे। कमलनाथ के बारे में क्या? कमलनाथ जी सरकार ने कहा था कि भू माफिया और तस्करों का तोड़ो, जो बड़े बड़े तस्कर है उनका तोड़ो, पर ये मूलचंद मार्ग दिख गया। बड़े बड़े तस्कर जो गाँव में है, जो माल आता है किलो से, तो वहाँ पे नहीं जा रहे। ये डाक बंगले को अनिल गोयल को 3 दिन का मौका दे दिया, उसका भी तो आवासी था, उसकी दुकान शटर वो हटवा के उसको मौका दिया, उसका क्यों नहीं तोड़ा? गरीब लोग यहाँ दिख रहे थे। तो कमलनाथ सरकार दुर्भावना कार्रवाई कर रही है? कमलनाथ सरकार को दुर्भावना सरकार नहीं कर रही है, जो अधिकारी तबका उनको धोखे में रख के ये काम कर रहा है, कमलनाथ सरकार को बदनाम करने के लिए। जो दिलीप जी परिहार की आज इच्छा पूरी हो गई कि मूलचंद मार्ग पर इन्होंने अतिक्रमण तोड़ा। उस दिन तो चाय बना रहे थे दिलीप परिहार वहाँ पे। आपका नाम? इकबाल कुरैशी पार्षद। आप इस वार्ड के पार्षद जी? कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 19।